एक आरएफ रिमोट कंट्रोल बेस्ड रोबोट है, यानी इसको अपन वायरलेस के द्वारा फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट स्टॉप कर सकते हैं। रोबोट अलग जगह है, इसको बोलते हैं अपन रिसीवर, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, ये दूर है, ये अलग जगह है, ये यहाँ से कमांड देगा और रिसीवर रिसीव करेगा। इसी प्रकार से बेटा ये है आरएफ रिमोट कंट्रोल बेस्ड रोबोट है, इसको और बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, इसके अंदर कई नए नए तरीके और अपनाए जा सकते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर लगाया जा सकता है। तो ये बेटा एक ऐसा रोबोट बन जाएगा जो इसको अपन दूर भेज सकते हैं, तो जैसे लैंडमाइन है, लैंडमाइन को डिटेक्ट कर सकता है ये सेंसर के द्वारा, ठीक है। फिर इसमें अपन जोड़ सकते हैं पिक एंड प्लेस चीज़ भी जोड़ सकते हैं। पिक एंड प्लेस का मतलब जैसे रोबोट को कोई बॉम्ब मिला, ये क्या करेगी, पिक करेगी और उसको दूसरी जगह प्लेस कर देगी जहाँ पर सुरक्षित जगह है, और वहाँ पर इसको डिफ्यूज़ कर देगी। दूसरा अपन इसको और भी चेंज कर सकते हैं, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है तो अपन एंड्रॉयड मोबाइल से जोड़ सकते हैं इसको, और बहुत बड़ा बना सकते हैं। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का भी आजकल ज़माना है, क्योंकि टीवी या अच्छे सारे रिमोट कंट्रोल चलते हैं तो वो भी है, और ये टू व्हील ड्राइव है ना, जो फोर व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड कमांड दिया, फॉरवर्ड चलने लग गया, ठीक है। बैकवर्ड कमांड दिया, बैकवर्ड चलने लग गया। राइट कमांड दिया, ये राइट चलने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे इच्छा हो वैसे चला सकते हो, स्टॉप किया स्टॉप हो जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे फॉरवर्ड चलने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैकवर्ड गया, ऐसे बहुत अच्छा रोबोट है, ये आप इसको चूज कर सकते हैं, अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। के सारे कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, इसे थोड़ी खूबी ये है कि जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा किट के रूप में मिल सकता है, आप इसको पूरा पूरा स्वयं बना सकते हैं, बस इसका ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर करके आप इस पेड़ को खुद बना सकते हैं। क्योंकि मेरे इस चैनल के अंदर दो वीडियो और हैं, एक तो है रोबोट बनाने का, जो मैनुअल रोबोट बनाने का है ना, उसको देख लेना आप। दूसरा मेरा एक डू इट योरसेल्फ किट है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आरएफ रोबोट के बारे में आपको मिलेगा, वो पूरा किट मिलेगा, डू इट योरसेल्फ किट है वो, है ना। उन दोनों को जोड़ के आप ये रोबोट बना सकते हैं।